चलिए लगाइए हेडिंग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर भी कह सकते हैं आप। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर, देखो सर, जैसे मान लो हमारे पास जो रेसिस्टर अवेलेबल है 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम या कुछ ऐसे फिक्स अमाउंट में हमारे पास रेसिस्टेंस आता है, लेकिन हमें एक डिजायर रेसिस्टेंस चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए जो घरों में मान लो हमें कोई डिवाइस बनाने हैं और उस डिवाइस के लिए हमें मान लो 542 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए, 542 मान लो 542 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए। अब बताओ रेसिस्टेंस जो आता है वो 10 ओम 12 ओम इस वैरायटी में अवेलेबल है। अब बताओ 10 ये 442 या 542 ओम का रेसिस्टेंस तुम्हें कैसे मिलेगा, जब एक रेसिस्टेंस को दूसरे रेसिस्टेंस के साथ जोड़ोगे तभी ना। तो हो गया ना ग्रुपिंग, ढेर सारे रेसिस्टर को आपस में कनेक्ट करना ही ग्रुपिंग कहलाएगा। अब कनेक्ट करने के तरीके हैं, जैसे मान लो हमें चाहिए बहुत ही कम रेसिस्टेंस, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 10 ओम के ढेर सारे रेसिस्टेंस हैं, लेकिन हमें 2 ओम चाहिए और हमारे पास 2 ओम का रेसिस्टेंस नहीं है, 10 ओम का रेसिस्टेंस हमारे पास, सिर्फ 2 ओम का रेसिस्टेंस हमारे पास नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसी 10 ओम का कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, उसी 10 ओम से कुछ जुगाड़ सेट करेंगे ताकि वो 2 ओम का बन जाए। या मान लो 10 ओम का हमारे पास रेसिस्टेंस है और मान लो हमें 50 ओम चाहिए, तो उसी 10 ओम को जोड़ तोड़ के हमें बनाना पड़ेगा 50 ओम। इसीलिए कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और दो पॉपुलर मेथड है जिसका हम लोग ग्रुपिंग करने वाले हैं, तरीका दो, और उसके बाद फिर आप मिक्स के बेसिस पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले दो जो बेसिक अवशेष सीख लेते हैं, फिर मिक्स में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो इसमें से दो आपका होगा कौन कौन सा, एक होगा आपका सीरीज ग्रुपिंग, एक आपका सीरीज ग्रुपिंग होगा, और एक होगा आपका पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ये कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन या एक सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग होगा। इन दोनों को पहले समझते हैं, फिर दोनों का हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे, कोई लिखेगा नहीं। देखो सीरीज ग्रुपिंग कैसे समझेंगे, समझो जैसे मान लो सेल की बात करते हैं, बैटरी, सबने देखा होगा बैटरी की बात करें, जैसे मान लो आपको 3 बैटरी दे दी गई, ठीक है। बैटरी का मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, अब इन तीनों को ग्रुप करना है। तो एक बच्चा आया और बोला कि बैटरी को ना हम सर ऐसे करेंगे, कैसे कि एक के प्लस को दूसरे के माइनस के साथ, मतलब इस तरह का ग्रुपिंग कर दिए। जैसे ये बैटरी है, बैटरी के प्लस को दूसरे बैटरी के माइनस के साथ चिपका दिए, एक तरह से आपने देखा होगा इस तरह का कनेक्शन को, देखा है कहां पे दादाजी के टॉर्च में, हाँ रे जल्दी थोड़ी क्यों टॉर्च दादाजी का हो, मतलब पुराने जमाने के टॉर्च में, आजकल तो मोबाइल वाला टॉर्च अभी भी आता है टॉर्च, उस टॉर्च में जो सेल लगते हैं उस सेल को इसी तरह से डाला जाता है, आई बात समझ में। ये कनेक्शन को सीरीज कहते हैं, इसको एंड टू एंड कनेक्शन हुआ ना, क्या हुआ ये प्लस और माइनस कनेक्शन, प्लस और माइनस कनेक्शन, नेट प्लस मिला और नेट माइनस मिला, या आप इसे ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, समझिए वाला बात को, इसी चीज को आप, इसी कॉम्बिनेशन को इस तरह से भी किया जाता है, जैसे ये प्लस और ये प्लस, क्या किया क्या गया, इसके प्लस को इसके माइनस के साथ एक तार लिया गया, जोड़ा गया, इसके प्लस को इसके माइनस के साथ, और एक प्लस का मिला आपको और एक माइनस वाला मिला, तो कनेक्शन अभी भी ये वही तो है, यहाँ पे बिना तार की मदद से किया गया, यहाँ वायर की हेल्प से किया गया, कनेक्शन तो वैसा ही था,
प्लस माइनस वाला कनेक्शन था ना, बोलो, प्लस माइनस वाला ही कॉम्बिनेशन था ना, इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कहा जाता है। जब एंड टू एंड यानी कि पहले रेसिस्टेंस का, जैसे आप मान लो इसी को रेसिस्टेंस वायर की अगर बात करें, जैसे मान लो यहां पे सेल ना देखे, समझो आपको एक रेसिस्टेंस वायर दे दिया गया, तीन रेसिस्टेंस वायर है, आई बात समझ में? इसका मान लो एक एंड, इसमें मान लो भले ही प्लस माइनस ना हो, आई बात समझ में, इसका वन, इसका टू, इसका थ्री, इसका फोर, ये मान लो फाइव, और ये छठा एंड। इस तरह से कि एक रेसिस्टेंस वायर लिया हमने, ठीक है, इसका एंड वन और इसका एंड टू, और दूसरे रेसिस्टेंस वायर का पहला वाला एंड पहले रेसिस्टेंस वायर के दूसरे वाले एंड से अटैच कर दिए, ठीक है, ये थ्री और ये फोर हुआ। अब दूसरे वाले वायर का दूसरा वाला एंड तीसरे वाले वायर के पहले वाले एंड से कनेक्टेड हो, पकड़ पा रहे बात को? नहीं, कोई बात नहीं, फाइव और सिक्स, समझ पाए? तो इसी कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है, समझ पाए बात को? इसको सीरीज ग्रुपिंग कहा जाता है। इसमें एक खास बात तुम देखो, कहीं भी जंक्शन वंक्शन मिला तुम्हें क्या, कहीं टर्मिनल हुआ है, कहीं पे जंक्शन हुआ है, अगर मान लो यहां से करंट हम फ्लो करवा लेंगे, समझिएगा बात को, अगर मान लो इसमें आई करंट फ्लो करवा दिए तो करंट कहीं बटेगा, करंट को जाने का कोई दूसरा रास्ता है, मतलब इसमें क्या होगा, करंट डिवाइड नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब करंट जो होगा वो बटेगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, करंट ईच रेसिस्टर में वही करंट जाएगा, हाँ या ना, मजबूरी है, क्या करेगा, क्योंकि और कोई जाने का रास्ता है नहीं, आई बात समझ में? तो यहां पे क्या होगा, करंट अनडिवाइडेड, सब में बरोबर डिवाइड होगा, मतलब सब में करंट सेम जाएगा, तो करंट यहां पे क्या होगा, ईच रेसिस्टर का करंट सेम होगा। यहां पे पहचानने का सबसे आसान तरीका, करंट क्या होगा, करंट सेम होगा इन ईच रेसिस्टर में, समझ पाए बात को? ये रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, सेल की मदद से तुम्हें हम दिखाए, थोड़ा बहुत सीरीज का आइडिया आया, लिखा भी देंगे, पैरेलल को समझते हैं। अब इसी बैटरी को हम लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं, किस तरह से, जैसे ये बैटरी हमने लिया, अब इस बैटरी के सारे प्लस को एक वायर से, आपको नेट प्लस मिला, और सारे माइनस को एक वायर से, आपको नेट माइनस मिला, इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसमें सबका देखो, सबका प्लस कॉमन प्लस, सबका माइनस कॉमन माइनस, तो सबका पोटेंशियल क्या हो जाता है, यहां पे सेम हो जाता है। अगर मान लो यही रेसिस्टर की बात करें, जरा ध्यान से देखो, इसका ये वाला एंड वन और इसका ये वाला एंड टू, इसका ये वाला एंड थ्री, इसका फोर, और इसका मान लो ये वाला एंड फाइव, और मान लो ये, सॉरी, ये फाइव और ये सिक्स, तो सबको हमने क्या किया, एक कॉमन वायर से जोड़ दिया, इसको हमने एक कॉमन वायर से जोड़ दिया, और ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पैरेलल। पैरेलल क्या होता है कि सबका पहला वाला, देखो इसका भी, इसका भी पहला वाला, इसका भी पहला वाला, इसका भी पहला वाला, सबका पहला वाला एक वायर से और सबका दूसरा वाला दूसरे वायर से, आई बात समझ लें? तो इसमें अगर हम मान लो करंट आई बहा दे, फ्लो करवा दे करंट आई, तो करंट आई को यहां पे जाने के बाद तीन रास्ते मिलेंगे ना, तो ये तीनों रास्ते में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिपेंड करेगा कितना रेसिस्टेंस है, मान लो इसमें आई वन, इसमें आई टू और इसमें आई थ्री, अलग अलग करंट फ्लो कर जाएगा, तो करंट इसमें क्या होता है, सेम नहीं होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें करंट बढ़ता है, तो करंट सेम नहीं होगा, इसमें करंट सेम, बोलो, करंट सेम नहीं होगा, इक्वल मतलब सेम नहीं है, समझ रहे बात को? तो देखो सेम कब होगा, क्या सेम पोटेंशियल होगा, जैसे देखो ये क्या हुआ, टोटल मान लो अगर इसको बैटरी से जोड़ेंगे, मान लो हमने एक इमेजिनरी बैटरी लगा दी यहां पे,
समझो बात को। अब देखो ये सब क्या हो गया, सब नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, सब उसी बैटरी के, और ये सारे उसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। इसको कहते हैं पोटेंशियल का सेम होना। इसके बीच प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, सेम उतना ही इसके बीच उतने ही किसके बीच, तो इसके बीच क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। और अच्छे से समझाएंगे, फिलहाल आप ये समझ लो कि करंट सेम नहीं होता है। कारण है ये है कि पाथ अलग अलग होता है और इसमें करंट आपका सेम होता है, समझ गए। तो ऐसा ग्रुपिंग जिसमें इंड टू इंड कनेक्शन होगा, एक का दूसरा वाला इंड दूसरे का पहले वाले इंड से कनेक्टेड होगा, ऐसे ग्रुपिंग को सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। और जिसमें पोटेंशियल सेम होगा यानी कि सबका फर्स्ट टर्मिनल एक कॉमन वायर से और सबका सेकंड टर्मिनल दूसरी कॉमन वायर से अटैच होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। पहले नोट करिए फिर बात करते हैं, सेम इसी तरह से नोट करना है। सीरीज में अगर चाहे तो एक लाइन लिख लीजिए यहां पे, व्हेन टू और मोर रेसिस्टर, अब रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं, हाँ, व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इंड टू इंड, इंड टू इंड, इंड टू इंड कंजिक्वेटली कंजिक्यूटिवली ना कंजिक्यूटिवली वीएन हाँ कंजिक्यूटिवली दे आर सेड टू बी in connected, they are said to be connected in series, और parallel में भी लिख लो, when two or more resistance are connected end to end consecutively, they are said to be connected in सीरीज। और इसमें भी लिख लेना, when two or more resistance are connected between the same two points, between the same two points, they are said to be connected in, connected in parallel। ठीक है, अब खुश हो गया। चलो आपको ध्यान रखना है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को लेके कि सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, याद रहेगा। एक ही चीज याद रखो, वोल्टेज भी बता देंगे तुम्हें, लेकिन याद सिर्फ एक ही चीज रखना है और करंट याद रखोगे फायदे में रहोगे, समझ गए। हाँ थोड़ा तो मेरा बात माना करो, सब बात नहीं मानू मैं ना, लेकिन जब कुछ बोले ना मान लिया करो, फायदे में रहोगे। चलो अब हम लोगों को करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, करें। चलिए लगाइए रेडी, इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट भी कह सकते हो आप, इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट
रेसिस्टेंस इन सीरीज ग्रुपिंग या सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लोग मान लेते हैं दो या दो से ज्यादा रेसिस्टर जो कनेक्टेड सीरीज में है, लेट लेट आर वन आर टू एंड आर थ्री, आप चाहो तो दो तीन चार पांच कोई भी रेसिस्टेंस ले सकते हो। पहले समझो वोल्टेज, छापने का मौका देंगे, बोर्ड पे ध्यान दो। लेट आर वन आर टू एंड आर थ्री रेसिस्टेंस रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ वी वोल्ट, नहीं वी वोल्ट बैटरी, ठीक है, एज सोन बिलो, कोई छापे का नहीं है। जैसा कि नीचे दिखाया जा रहा है कि हमने क्या किया, तीन रेसिस्टेंस लिया, आप चार ले सकते हो पांच ले सकते हो, तीन लेते हैं फॉर्मल में, ठीक है। एक रेसिस्टेंस हुआ है, इसका रेसिस्टेंस आर वन है ना, एक दूसरा हो गया सीरीज में, ऐसे कनेक्ट करते हैं ना इन डिफरेंट आर टू, और एक तीसरा हो गया आर थ्री कनेक्टेड विथ क्या होगा बैटरी। बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो स्विच भी लगा देना, एक स्विच भी लगा दीजिएगा। देखो बैटरी जब आपने कहा है तो बैटरी सेल नहीं बन रहा था, तो बैटरी यूज करना, बैटरी मतलब तो दो तीन सेल, समझ रहे हो बात को, यस और नो? नो सर, कोई बात नहीं, हो गया। अब देखो इससे अगर चाहो तो तुम ताम धाम भी लगा सकते हो, ताम धाम मतलब एमीटर वोल्टमीटर, लेकिन जरूरत नहीं है, रहने दो। अब इससे मान लो बैटरी ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, तो करंट निकलेगा ना, जब स्विच ऑन होगा आई करंट निकला, करंट यहां भी आई जाएगा, यहां भी करंट आई जाएगा, और यहां भी करंट आई जाएगा, और घूम फिर के आई करंट आ गया, करंट अनडिवाइडेड रहा। परंतु अगर इस बैटरी का वोल्टेज कितना भी है तो इन दोनों इंड के बीच, जैसे मान लो ये इंड ए है, ये इंड बी है, ये इंड सी है, और ये इंड डी है, और तो चार इंड है, चार जंक्शन पॉइंट होंगे इसके, तो लेकिन दोनों इंड के बीच ना वोल्टेज अलग अलग होगा। कैसे अलग होगा तुम ही बताओ, आई इक्वल टू वी बाय आर ना, या तुम बताओ वी इक्वल टू आई आर में होगा। अब बोलो अगर आर अलग अलग है तो वी भी अलग अलग होगा ना, नहीं समझे, करंट सेम है तो करंट तो कोई बात नहीं, तो लेकिन अगर करंट को हटा दोगे तो रेसिस्टेंस बदलेगा तो वोल्टेज भी तो बदलेगा। आई बात समझ में, इसमें क्या होगा वोल्टेज अलग अलग होगा, इसको मान लो वी वन मान लो चलेगा, वोल्टेज अक्रॉस ए बी जंक्शन, इसका वोल्टेज वी टू मान लो नहीं, और इसका वोल्टेज वी थ्री मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, कोई दिक्कत, बोलो बाबू, नहीं ना, तो एक चीज और आपको मानना है कि सपोज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन एज वी वन, समझ पा रहे, पोटेंशियल डिफरेंस आर वन अक्रॉस इतना आर टू एज वी टू नहीं एंड एंड आर थ्री इज वी थ्री, समझ पाए, बट समझो, लेकिन यहां पे ये बात ध्यान रखना कि ये वोल्टेज जो इसमें इसमें और इसमें गया है वो यहीं से गया होगा ना, मतलब ये तीन टुकड़ों में बट गया नहीं, अलग अलग वी वन वी टू वी थ्री, लेकिन इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे भी ऑप्टेन होगा, यस और नो, होगा ना, बिल्कुल, बट
v इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? गुड। अब आप हमें एक बात बताओ, ओम्स लॉ क्या सिखाया आपको? v इक्वल टू आई आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है v इक्वल टू आई आर, यस और नो? बोलो। गुड। तो आप कह सकते हैं v इक्वल टू बी वन इक्वल टू आई आर वन, आई तो सेम है ना, समझो बात को, तो v2 टू इक्वल टू आई आर टू एंड v3 थ्री इक्वल टू आई आर थ्री, यस और नो? कह सकते हैं आराम से, तीन इक्वेशन आपको मिल गया, वन टू और थ्री। कोई दिक्कत, इन तीनों को जोड़ देंगे। कारण ये है कि अगर v1, v2, v3 को जोड़ोगे तो v मिलेगा ना, पुट कर देते हैं इसको ना, फ्रॉम 1 प्लस 2 प्लस 3 करने से इधर मिला आपको v1, v2 और v3 इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा, i कॉमन है ना, नहीं समझे, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। बोल छापना मत, नहीं समझो बाबू, समझ गए बात को? तो बता इन तीनों के प्लेस पे क्या रखोगे, पहले से तुम्हें पता है इन तीनों के प्लेस पे आपने क्या रखा, वी और ये आई कॉमन लोगे तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब जरा यहां आओ, हमने मान लिया कि इसका एक कंबाइंड सर्किट फिर से बनाते हैं, इस सबको जोड़ के एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, तो मान लेते हैं ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये है, समझो ये क्या है, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज, चलेगा आर इक्विवेलेंट सीरीज आर एस कर दिए, और इसका इसके पास भी तो बैटरी यही ना होगी रे, कि बैटरी आप बदल जाएगी, नहीं बदलेगा, कुछ बोलता नहीं तुम लोग, नाराज हो गया क्या? हाँ हो, पूछो तो बोलो, बोल गए ना, बोला बोलो ना, एक बार प्रेम से बोलिए, चलो ऐसे भी एक्सरसाइज होते रहेगा, नहीं भ्रामी कहते हैं ना, पता है ना, नहीं एकदम झंझरा जाता है, बता तो करते रहना चाहिए, ये भी होगा तो बताइए, इसके लिए ओम साहब क्या करके कह के चले गए, इसके लिए ओम साहब क्या कहेंगे, आई इक्वल टू भी इक्वल टू, बोलो, हाँ हाँ यहां से ये समझना, भी इक्वल टू आई आर एस में होगा, ओम साहब कह के गए इसके लिए, बोलो क्या हम यहां पे इस यही भी वो भी है कि नहीं है, आर एस रुपया वाला मत समझना बाबू, हमेशा तुम लोग का ध्यान रहता है टका पे, आई आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सर लिख के भी को बोलो, और यहां पे ये आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई खत्म, बोलो तो आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, समझ गए झूठे, एक बार समझाते हैं फिर लिखना, समझो एक बार दोबारा समझाते हैं, हमको पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ पाया है, नहीं बाबा जी जाने मन की बात नहीं सुना है, सुनाएंगे, हमें करना क्या है, हमें इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन में ढेर सारे रेसिस्टर का, तो हमने तीन रेसिस्टर बांध लिया, ठीक है, R1, R2 और R3 कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, एंड टू एंड कनेक्शन है इसलिए सीरीज में हुआ, और उसे हमने बी वोल्ट बैटरी के साथ लगा दिया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, हमने देखा कि कोई एक्स्ट्रा पाथ वगैरह नहीं है तो करंट सब में सेम जाएगा, तो सब में करंट सेम चला गया, क्योंकि करंट सेम है रेसिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए वोल्टेज जो कंज्यूम होगा बाय द ईच रेसिस्टर अलग अलग होगा, तो हमने माना कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 रेसिस्टर इज V1, R2 रेसिस्टर इज V2 एंड R3 रेसिस्टर इज V3, कोई दिक्कत
नहीं ना, लेकिन हमें ये पता है भगवान ने जितना बुद्धि दिया है उसी बुद्धि का उपयोग करके कि ई जो भी है यही भी तीनों को दिया होगा। मान लो 100% इसके पास है, 20% इसको दिया, मान लो 50% इसको दिया, 30% उसको दिया होगा, मतलब जोड़ेंगे तो भी के बराबर होगा। श्योर कर लिए। अब आइए हम लोग ओम्स लॉ का हेल्प लेते हैं। ओम्स साफ कहते गए हैं कि V1 बराबर IR1, V = IR होता है। तो अगर हम लोग इसके V1 के बारे में सोचे तो ये कितना होगा, IR1 बराबर V1, IR2 बराबर V2, IR3 बराबर V3। बोलो इन तीनों को जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ेंगे, क्यों सर? क्योंकि V1 V2 V3 देखो प्लस और के भी के बराबर हुआ है ना, तो यहां से हमें हिंट मिल गया कि इस तीनों का क्या करना है, इन तीनों का करना क्या है, यहां से हिंट मिला हमें। प्लस करना है इसलिए प्लस कर दिए, प्लस कर दिए, इसके बदले भी लिखा है, आई कॉमन आ गया। अब ये भी का वैल्यू यहां से निकल आया है नेट इक्विवेलेंट से, ये करना पड़ेगा, नहीं तो आर इक्विवेलेंट कहां से लाएंगे। क्या इस भी को ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, आई आई कट्टो कट्टो आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन R1 R2 एंड R3। अब बोलो तो किसी को इसी के किसी पॉइंट में दिक्कत तो बोलो, अगर नहीं तो छापिए जल्दी। तो मुद्दे की बात ये रही कि अगर मान लो ढेर सारा रेसिस्टर है ना सीरीज में कनेक्टेड हो तो R इक्विवेलेंट इन सीरीज क्या होगा, R1 R2 R3, इसी तरह से ढेर सारा नहीं, अगर पांच होगा तो सबको सबका अल्जेब्रिक सम हो जाएगा, यानी कि नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा इन सीरीज में क्या होगा, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेसिस्टर, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेसिस्टर्स। लिख लो दैट इज ये हुआ रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इज अल्जेब्रिक 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 सम ऑफ ऑल दी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, मतलब हर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का सीधा अल्जेब्रिक सम कर दीजिए और नेट आपको आ जाएगा सीरीज में, है ना। एक बात और समझो कि अगर इफ R1 if n identical, समझिएगा आपको n identical रेसिस्टेंस आर, पहले समझो आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसका क्या मतलब हुआ समझो, समझो अगर सारे रेसिस्टर का वैल्यू सेम हो जाए, ढेर सारा रेसिस्टर है, दैट इज मतलब ये हुआ कि R1 बराबर R2 हो जाए, बराबर R3 हो जाए, .. बराबर Rn, इसका वैल्यू मानो R है, ढेर सारा रेसिस्टर है लेकिन सबका वैल्यू R है, तो उसको जब आप सीरीज में जोड़ोगे बात करो तो क्या आएगा रिजल्ट, तो सीरीज में जोड़ोगे तो क्या होगा, R नेट क्या हो जाएगा, R नेट इक्वल टू R प्लस R प्लस R प्लस R .. n टाइम्स, तो कुल मिला के क्या होगा, R नेट इक्वल टू हो जाएगा n टाइम्स ऑफ Rn, है ना, n टाइम्स ऑफ R हो जाएगा, नोट करिए इसे, ठीक है, n टाइम्स ऑफ R हो जाएगा।
आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि अभी डिस्कशन इसमें चलेगा, सवाल भी तो करने हैं, तो कल यहीं के बाद कंटिन्यू करेंगे कुछ सवालों के साथ, इस टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर पैरेलल भी कल कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।